हेलो, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रूपश्री लेडीज टेलर में। आज हम लूज प्लाजो पैंट की कटिंग करेंगे। ये देखिए, ये कपड़ा हमने 2.5 मीटर का लिया हुआ है। इसकी किस तरह से कटिंग करनी है बिल्कुल सिंपल तरीके से हम बताएंगे। तो चलिए हम कटिंग शुरू करते हैं। पहले हम कपड़े को ओपन कर लेंगे। इस तरह से लंबाई की साइड से पहले हम फोल्ड करेंगे बराबर से। इसके बाद हम चौड़ाई की साइड से भी फोल्ड करेंगे एक तह में। ये 4 तह में हो जाएगा कपड़ा। इस तरह देखिए, इस तरह से आपको फोल्ड कर लेना है। देखिए, इस तरह पहले बराबर से कर लेंगे हम कपड़े को। बराबर से रखने के बाद ही निशान लगाएंगे। यहाँ पे देखिए, हम 2 इंच पे निशान लगा रहे हैं इलास्टिक डालने के लिए। इस तरह से 2-2 इंच पे हम पूरा निशान लगा के सीधा लाइन खींच लेंगे। जिधर से हमारा बंद भाग है उधर से हम 1/2 इंच पे एक निशान लगाएंगे सीधा। यहाँ पे देखिए, 1/2 इंच पे हम पूरा निशान लगा लेंगे नीचे तक। हमने पूरा निशान लगा लिया है। इसके बाद यहाँ से हम आसन के लिए निशान लगाएंगे। तो देखिए, यहाँ से हम 13 इंच पे निशान लगा रहे हैं। इस पे हम सीधा लाइन खींचेंगे। आसन से हम नीचे की साइड 4 इंच पे निशान लगाएंगे थाई के लिए। इधर भी हम सीधा लाइन खींचेंगे। इसके बाद यहाँ से हम नीचे फिर से 4 इंच पे एक निशान लगाएंगे घुटने के लिए। इस तरह सीधा लाइन खींच लेंगे। इसके बाद हम लंबाई का माप लेंगे। लंबाई के लिए ये देखिए, हमने ऊपर से जहाँ पे हमने निशान लगाया है फोल्ड करने के लिए, वहाँ पे इंची टेप को इस तरह रखेंगे और यहीं से हम लंबाई का माप लेंगे। तो हमको लंबाई 35 इंच चाहिए। तो इस तरह से हम 35 इंच पे निशान लगा लेंगे। इधर भी हम सीधा लाइन खींचेंगे। नीचे की साइड आपको जितना फोल्ड करना है उसके हिसाब से आप निशान लगा लीजिए। तो यहाँ पे हम 3 इंच पे निशान लगा रहे हैं इस तरह से। इस तरह पहले आप निशान लगा लीजिए। इसके बाद यहाँ से देखिए, हम कमर के लिए निशान लगाएंगे। तो जितना कमर है उसका 1/4 हिस्सा लेना है पहले आपको। इस तरह इंची टेप को 4 तह में फोल्ड करके निशान लगा लीजिए। तो 40 इंच का कमर है तो हम 10 इंच पे निशान लगा रहे हैं। यहाँ से हम 4 इंच पे लूजिंग के लिए निशान लगा रहे हैं। इस तरह से देखिए, हम मिला लेंगे इन निशानों को। इस तरह से देखिए निशान लगा लेंगे। इसके बाद थाई के लिए हम निशान लगाएंगे। तो थाई जितना भी है आपका, का दूसरा हिस्सा लेना है आपको। देखिए, इस तरह से हम डबल फोल्ड करके इंची टेप को इस तरह निशान लगाएंगे। इसके बाद हम घुटने के लिए निशान लगाएंगे। जितना घुटना है उसका भी हमें दूसरा हिस्सा लेने का है। इस तरह डबल तह में हम निशान लगाएंगे। मोहरी हमको 12 इंच का चाहिए तो हम डबल तह में इस तरह इंची टेप को फोल्ड करेंगे और 6 इंच पे निशान लगाएंगे। ये हमारा फिटिंग का निशान है।
देखिए इस तरह से सभी निशानों को मिला लेंगे। यहाँ से देखिए हम आसन की गोलाई देंगे। यहाँ पे हम 1.5 इंच बढ़ाएंगे इस तरह। फिर से हम 1.5 इंच पे एक निशान लगा लेंगे। ये हमारा फिटिंग का निशान है, इसी पे हमको सिलाई करना है। इसमें हम मार्जिन लेके कटिंग करेंगे। यहाँ से देखिए हम 1/2 इंच मार्जिन लेते हुए इस तरह से कटिंग कर लेंगे। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल पे क्लिक करके ऑल पे क्लिक करें ताकि जब भी हम वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। देखिए इस तरह से हमने कटिंग कर लिया है। इसके बाद हम जेब की कटिंग करेंगे। देखिए यहाँ पे हम इलास्टिक लगाएंगे। चलिए हम जेब की कटिंग कर लेते हैं। तो साइड से जो कपड़ा हमारा बचा था उसी में हम जेब कटिंग करेंगे। तो इस तरह आप देखिए फोल्ड कर लीजिए, जितना इलास्टिक आता है आपका उतने पे देखिए यहाँ पे एक निशान लगाएंगे फोल्ड करके। इसके बाद आपको जितना खुला रखना है जेब के लिए उसके लिए निशान लगाइए। तो यहाँ पे हम 6 इंच पे निशान लगा रहे हैं। इसके बाद ये हमने कपड़ा लिया है जो साइड से बचा था, इसको इस तरह से आपको डबल तह में हम फोल्ड कर लिए हैं। ये 4 तह में होना चाहिए। इसमें एक्स्ट्रा और भी है तो इसे हम पहले निकाल देते हैं। इस तरह से देखिए 4 तह में ये फोल्ड होगा। इसकी लंबाई हम 12 इंच ले रहे हैं। यहाँ से देखिए ऊपर की साइड हम 7 इंच पे निशान लगाएंगे इस तरह से। नीचे की साइड हम 8 इंच पे निशान लगाएंगे, 1 इंच बढ़ा के रखेंगे। इन निशानों को हम पहले मिला लेंगे। इस तरह से देखिए हमने मिला लिया है। यहाँ से हम हल्का राउंड शेप देंगे और इसी पे हम कटिंग कर लेंगे। ये हम जेब की कटिंग कर रहे हैं। देखिए इस तरह से इसमें 2 जेब कट गया है। देखिए ये हमने इस तरह से रखना है जेब को। ऊपर की साइड हम 1 इंच बढ़ा के रखेंगे और यहाँ पे निशान लगाएंगे। इस तरह मिला के दोनों निशान लगा लेंगे ताकि सिलते टाइम हमको पता रहे यहाँ से हमको सिलना है। तो इस तरह से आप भी निशान लगा लीजिए। इस तरह से हमारा कटिंग कंप्लीट हो गया है। इसकी स्टिचिंग हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे। तो मिलते हैं हम आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।